जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ दिनेश छड़ावदिया एंड आई वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम टॉपर्स। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी वॉइस की सीरीज चल रही है एक्टिव वॉइस पेशी वॉइस की, जिसके अंदर हमारा पास्ट सिंपल तक कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंट सिंपल हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूस का तो बनता नहीं है। फिर हमने पास्ट सिंपल स्टार्ट किया और एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो आप बहुत अच्छे से समझते हो सभी, तो हम डायरेक्ट इसके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन एक शॉर्ट में ओवरव्यू देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब कि ऐसा काम जो हम कर रहे थे, जो काम आप कर रहे थे, जो हम कर रहे थे, जो वह कर रही थी, जो वह कर रहा था। इट मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वॉट एवर दे आर वर डूइंग इन द पास्ट, ऑल द सेंटेंसेस आर इंक्लूडेड इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अब कंटिन्यूस टेंस की एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है, यू नो वेरी वेल, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हर कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, ये हमें पहले से पता है। तो जिसका बेसिक स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑल ऑफ अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड इज एम आर एज ए ऑक्सिलरी वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम देखें, ही, अब ही शी एक सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, इज, आई के साथ एम, वी यू देन प्लूरल के साथ आर। तो क्या हुआ, He is reading a newspaper, मतलब कि वह अखबार पढ़ रहा है। जब पैसिव बनाएंगे तो a newspaper is, यहाँ पर being लिखा है my dear friends, तो हमारे माइंड में यहाँ पर ये चीज़ आ सकती है कि being क्यों, being इसलिए लगाया हमने क्योंकि continuous tense की जो requirement होती है first form plus ing, and in passive voice always we have to use थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो दो बार हम मतलब थर्ड फॉर्म द आईएनजी लगा नहीं सकते, तो हमारे पास बी होता है और ये बी किस में है, अपनी फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी की ज़रूरत होती है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, बींग। तो इसको हम कंटिन्यूस टेंस में एज ए वर्ब की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। तो बींग और बींग के बाद आ जाएगा आपका थर्ड फॉर्म, रीड बाय हिम। अगला सेंटेंस, दे आर मेकिंग प्रोजेक्ट, बहुत सिंपल सेंटेंस है, मेकिंग हो सकता है, प्रिपेयरिंग हो सकता है, व्हाटएवर प्रोजेक्ट हो सकता है, वर्क हो सकता है, काइट हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती है। तो दे आर मेकिंग प्रोजेक्ट, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो प्रोजेक्ट इज बींग मेड बाय देम, ये बाय देम क्यों हुआ, क्योंकि दे का बाय देम ही होगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसलिए। अगला है हमारे पास, ही इज नॉट, अब नेगेटिव, अब नेगेटिव के लिए हमें क्या करते हैं, जब भी नेगेटिव बनाते हैं तो जो उसकी हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में हमेशा नॉट लग जाता है, तो क्या बन जाता है आपका, नेगेटिव। तो इज एम आर में नॉट लगेगा, एक्टिव में लगाएंगे तो हम पैसिव में भी लगाएंगे। तो क्या बना, ही इज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मतलब क्या हुआ, वह अखबार नहीं पढ़ रहा है। और पैसिव वॉइस में अ न्यूज़पेपर इज नॉट बीइंग रीड बाय देम, उसके द्वारा अखबार नहीं पढ़ा जा रहा है। अगला सेंटेंस है, दे आर नॉट मेकिंग प्रोजेक्ट, अब दे आर नॉट मेकिंग प्रोजेक्ट, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम, इज एम आर में नॉट लगेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, कभी भी ऐसा नहीं करना है हमें, जिससे यहाँ पर आर लगाया था इसमें भी आर लगा दो, नहीं, यहाँ पर जो आर लगा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और पैसिव वाइज में जो इज एम आर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी यहाँ पर दिया हुआ है एज ए सब्जेक्ट के उसको यूज़ करना है। तो प्रोजेक्ट इज नॉट बींग मेड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस इन इंटरोगेटिव फॉर्म, और इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या करना हो आपको, कुछ भी नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाहर आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर, इज एम आर है, तो इज एम आर बाहर, सब्जेक्ट के साथ, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट, तो इज ही रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या वह अखबार पढ़ रहा है, तो पैसिव में क्या होगा, इज बाहर, अ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हुआ, बीइंग रीड बाय देम, हिम, ही का हिम, क्या उसके द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है, दैट्स ऑल। आर दे मेकिंग प्रोजेक्ट, क्या वे प्रोजेक्ट बना रहे हैं,
तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? इज प्रोजेक्ट बीइंग मेड बाय देम, क्या उसके द्वारा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और यही सेंटेंस आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो इज एम आर बाहर, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ हमारे सामने? इज ही नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या हुआ? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। तो पैसिव में क्या हुआ? इज अ न्यूज़पेपर नॉट बीइंग रीड बाय हिम, क्या उसके द्वारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है। आर दे नॉट मेकिंग प्रोजेक्ट, क्या वो प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं? तो इज प्रोजेक्ट नॉट बीइंग मेड बाय देम, क्या उनके द्वारा प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा रहा है। अगर WH वर्ड आ जाएंगे तो WH वर्ड इंट्रोगेटिव के पहले, सिंपल इंट्रोगेटिव के पहले भी लगा सकते हैं हम, और WH इंट्रोगेटिव के पहले भी लगा सकते हैं, जो बहुत अलग से कुछ बातें नहीं हैं। सो ये क्या हुआ हमारा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हुआ। इसके बाद में हम पास्ट परफेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद में अपने फ्यूचर के जितने बनने वाले वो बनेंगे। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस का सिंपल एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। सो इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।